सीएए के विरोध में बहुत सारे हड़कंप हो रहे हैं, बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं, और इन प्रदर्शनों को देखते हुए, ताकि अफवाहें ना फैलें, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना की जाए किसी को, इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने कई राज्यों में और कई जिलों में इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। दिल्ली, असम, यूपी और कश्मीर में तो इंटरनेट बैन चल ही रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, और ऐसा नहीं कि ये हमारा पहली बार है। इससे पहले भी इंडिया में कई बार नेट बैन हो चुका है, और बहुत बार हो चुका है, और कश्मीर में तो 140 दिन का अभी तक लगातार कंटिन्यू बैन चल रहा है, अभी भी वो बैन हटा नहीं है। यहाँ पर दो दिन इंटरनेट क्या बैन रहा, हमारी ज़िंदगी उथल पुथल हो गई, हम कुछ भी ऐसा लग रहा कि हमारे फ़ोन्स जो हैं वो डिब्बे के बराबर हैं, इनसे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भैया आज के टाइम में स्मार्टफोन्स इंटरनेट के बिना आप समझ लीजिए क्या हाल है, कि इंटरनेट जो है एक स्मार्टफोन के रीढ़ की हड्डी है, इसी से आप उसकी जो औकात है पता लगती है कि भैया आपका जो स्मार्टफोन है उसमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं। और इसलिए मतलब बता रहा हूँ कि आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं नेट पे, यानी कि आप यूट्यूब और यहाँ तक कि ब्राउज भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी क्रोम या किसी भी ब्राउज़र पर आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते, आपका नेट इनेबल था उसको डिसेबल कर दिया गया है आपके ISP द्वारा। ISP का मतलब क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पर ये क्यों होता है और कैसे होता है, इसी वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम है MK सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अगर आप ऐसी वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं, नॉलेजफुल वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको नॉलेजफुल वीडियोस मिलती रहती हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कि क्यों करते हैं। गवर्नमेंट के पास इसका अधिकार है, 1885 में एक एक्ट पास हुआ था, टेलीग्राफ एक्ट, कि उसके अंदर अगर गवर्नमेंट चाहे जब किसी की इवन कॉल और SMS भी बैन कर सकती है, और इंटरनेट संचार व्यवस्था तो पूरी तरह से ठप कर सकती है, अगर वो किसी भी तरीके से किसी भी अफवाह को फैलाने में उसमें पाया जाता है, या फिर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, तब गवर्नमेंट आराम से इंटरनेट को बैन कर देती है, ताकि देश में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और लोग ज़्यादा भड़के ना और ज़्यादा किसी भी एक्ट के खिलाफ ना हो। जैसे कि अभी CAA आया, यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं, ताकि लोग दंगे करने पर मजबूर हो जाएं। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। लोग वीडियोस बना रहे हैं, व्हाट्सएप पर शेयर कर रहे हैं, फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को लगा कि भैया इस चीज़ से, नेट से हमारा जो माहौल है वो बिगड़ सकता है, इसलिए उन्होंने इंटरनेट को बैन किया। और ये बैन कश्मीर में 140 दिनों से है, क्योंकि वहाँ की जो डिटेल्स हैं नहीं चाहते सरकार के बाहर जाएं या फिर बाहर सेंड हों, और वहाँ का जो माहौल है वो ना बिगड़े, क्योंकि कश्मीर के हालात आप सब जानते ही हैं ये कितने ख़राब रहते हैं। तो अब यहाँ पर बात हो गई कि हमारे जो ISP है, क्योंकि आम इंसान सिर्फ ISP से ही कनेक्टेड रहता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि वोडाफोन, आइडिया, जियो या एयरटेल हैं हमारे इस पूरे इलाके में, BSNL भी है, वो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट जब मर्जी तब चाहे बंद कर सकता है अपना नेट अपनी मर्जी से। लेकिन यहाँ जो केस है वो और कंपनीज के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं। ऊपर से अधिकार आता है, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो ऑर्डर देते हैं किसी भी जो प्रशासन है उनको, और प्रशासन में यानी कि DM, SP वगैरह सब आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो DM है वो ऑर्डर देता है अपने एरिया की ISP को, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, जहाँ पर होते हैं नोडल ऑफिसर्स। अब नोडल ऑफिसर्स क्या होते हैं कि भैया अगर वो अपने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोबाइल फ़ोन कैसे काम करते हैं, वो मैंने एक वीडियो बना रखी है, सेम वही प्रोसेस है डाटा की भी। वहाँ पर आप कॉल सेंड करते हैं, यानी कि सिग्नल वहाँ पर भी जा रहे हैं, ऐसे ही सेम सिस्टम होता है डाटा का, डाटा भी सेंड होता है। तो उसी टाइप से जैसे कि वहाँ से आपके एरिया तक कॉलिंग आएगी, आप SMS कर सकते हैं, लेकिन आप नेट नहीं चला पाएंगे। वहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि एक स्विच होता है उनके पास उस पूरे एरिए का, वो उसे GPRS के स्विच को शट डाउन कर देते हैं, यानी कि GPRS के स्विच को बंद कर देते हैं, और आपके एरिए में बिल्कुल भी कोई भी इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकता। ये तो सही हमारे पूरे एरिया के इंटरनेट को बंद करने की बात। अगर मान लीजिए किसी एक प्रॉपर एक वेबसाइट को अगर आपको बैन करना चाहिए, बहुत सारी वेबसाइट्स बैन हैं इस समय, तो अगर आप उनको बैन करना, तो वो होता है DNS फिल्टरिंग के थ्रू। उसमें आपका कुछ भी ऐसा एरिया नहीं है कि भैया उसमें आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं हमारे, जो भी सर्वर्स होते हैं, वहाँ पर जाकर के उनको डाल दिया जाता है, उनकी वेबसाइट्स को, और उनको फिल्टर कराया जाता है DNS फिल्टरिंग के द्वारा। डोमेन नेम सिस्टम तरह फिल्टरिंग होती है कि कोई भी बंदा अगर इस वेबसाइट को हैक करता है इस लोकेशन से, तब आप उसको एक्सेस नहीं दे पाएंगे। तो वहाँ पर इसलिए साफ साफ लिखा हुआ आ जाता है, वेब पेज नोट अवेलेबल, यू हैव नॉट एक्सेस टू दिस वेबसाइट। तो इस टाइप से जो प्रॉब्लम आती है, एरर आते हैं, वो आ जाते हैं। लेकिन उस भी प्रॉब्लम को लोग
दूर कर लेते हैं वीपीएन के थ्रू, क्योंकि वीपीएन से लोकेशन हो जाती है चेंज, और लोकेशन चेंज होने के बाद आप उस जो डीएनएस फिल्टर है उसको बाईपास कर पाते हैं और आप डायरेक्ट पहुंच जाते हैं उनके सर्वर तक। तो इस टाइप से ऐसे ही अगर आपके एरिया में आईएसपी पूरा ही नेट बंद कर दे, तब आप वीपीएन तो क्या आप किसी का भी यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जो भी यूज करेंगे वो करेंगे तो आप अपने टावर से ही, और जो आपका सेल टावर है वहां से ही, वहीं का जो मेन सिस्टम है, जो आपका वहीं पे एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वहीं से आपका जो GPRS है वो ऑफ है, तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे हालात में इसी का यूज किया जाता है नोडल ऑफिसर्स के द्वारा। वहां पर उनको गवर्नमेंट ऑर्डर देती है ISPs को, भैया आपको नेट बंद करना है इस प्रॉपर एरिया का, और वहां पर जितने भी नेटवर्क होते हैं, जितने भी टावर्स होते हैं, उनके द्वारा वहां से जो सिग्नल है वो ट्रांसमिशन और रिसीवर जो भी है, ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों को बंद कर दिया जाता है, ताकि आप अपना GPRS कहीं भी जो है सेंड ना हो पाए, डाटा सेंड ना हो। इससे उनकी जो ऑर्डर्स हैं वो उन्हें मानने ही पड़ते हैं, क्योंकि ये सरकार के सामने हर किसी को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि उनका जो लाइसेंस है वो भी गवर्नमेंट ने ही दिया होता है। तो इस टाइप से आपका जो नेट है वो बंद किया जाता है, क्योंकि डाटा और कॉल्स और SMS में फ़र्क है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपके SMS और कॉल्स भी बैन कर सकती है, उसी टाइप से जैसे कि उन्होंने डाटा को बैन करते हैं, लेकिन डाटा और कॉल्स का सिस्टम अलग है, इसलिए यहाँ पर डाटा सिर्फ बैन हुआ है, कॉल्स वगैरह बैन नहीं हुई है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि डाटा आपका कैसे बैन होता है, इंटरनेट कैसे डाउन होता है एक प्रॉपर एरिया में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।